कॉस्ट उतरने वाले क्वेश्चन हुए कुछ, आगे बढ़ सकते हैं उसमें। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हमसे कह रहा है प्रूव करिए कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करने को बोला गया एक क्वेश्चन में। अब आप जरा सोचिए कि ये कैसे होना चाहिए, कौन सा वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं प्रूव करने के लिए। कॉस 2x, इतना तो कंफर्म है कि कॉस 4x जो है वो कॉस 2x की मदद से बनेगा, लेकिन कॉस 2x का भी कौन सा वाला फॉर्मूला, तीन थे उसमें, क्यों 1 माइनस वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 1 माइनस समथिंग वाली फॉर्म है। तो अगर हम LHS को लेके चलें और बोलें कि cos 2x का फॉर्मूला जी ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, तो cos 2x से हम cos 4x बना सकते हैं। मैंने उस दिन भी इतनी बार बोला था इस एंगल पे कोई भी छेड़खानी होगी तो इस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरफ के एंगल की छेड़खानी होने से दूसरी तरफ के भी केवल एंगल ही छेड़े जाते हैं। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ cos 2x है यहाँ पर, तो cos 2x का फॉर्मूला ये हमें मालूम था, हमें cos 4x चाहिए था, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर हम cos 4x लिखते तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, जितना भी एंगल यहाँ है इसका आधा एंगल आता यहाँ पर, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, ये बोला गया था। चलिए अब मुझे बताओ 1 माइनस 2 ऐसे कैसा, इस वाली वैल्यू को हम साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और साइन 2x का फॉर्मूला हमको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और पूरा स्क्वायर ऐसे कैसा, तो 1 माइनस 2 ऐसे कैसा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस क्या बन जाएगा ये 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हमको लाना था। तो ये एनसीईआरटी का एक काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला बता रहे तो मैडम हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। ये है जी अगला क्वेश्चन हमारा, और बताओ ये देखा देखा लग रहा है क्या, नहीं ये कौन सा पढ़ा हमने, कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा, हाँ ठीक है ना, सी प्लस डी वाला, ये पहले कभी दर्शन हुए हैं क्या इसके, इसको तो हुए हैं, दो को हुए हैं, तीन को हो गए, एहसास हो रहा है कि हाँ हुए हैं। उस टाइम पे हमने इस क्वेश्चन को कॉस सी प्लस कॉस डी वाले से यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी से किया था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से किया था। अब ये क्वेश्चन फिर आ गया इसके अंदर, और अब तो हमारे पास cos 2 थीटा sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं, जो कि अभी तो कहीं होते भी नहीं दिख रहे कहीं इस्तेमाल होते हुए, तो फिर कब होंगे देखते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं, तो मैडम ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक तुम्हारी, कमजोर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ठाक है, तो जरा बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे क्या आएगा, इसमें बताओ क्या आएगा, यहां पर बताओ ना a प्लस बी का उससे कैसे खुलेगा, पहली टर्म क्या आएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस बी इंटू कॉस बी, ठीक है ना। अब यहां पे आते हैं, यहां भी खोल दे भाई, चलिए प्लस, यहां बताओ मैडम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, बिल्कुल सही जवाब, सही है भाई। अच्छा अब हमें बताया, देखो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर मिलके 1 बनाएंगे, ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर मिलके 1 बनाएंगे, तो वो 1 और 1 प्लस क्या बन गया 2, प्लस 2 कॉस ए कॉस बी ऐसे कैसा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी ऐसे कैसा, सही है। अगर इन तीनों के 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी भी एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ई साइन बी इज कॉस ए प्लस बी, आया याद कुछ, आगे बढ़ते हुए पिछला भूलते जा रहे क्या, 2 कॉस ए कॉस बी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं पहले 2 2 2 सबके कॉमन लिए, यहां 1 बचा और यहां बचा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज कॉस ए प्लस बी, इन चारों दो ये की जगह पे आएगा ना, ये तो अजीब बात हो गई यार, मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ तुमसे, है ऐसा है क्या, अब तुम्हें लगता है, अब तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब मल्टीपल सब मल्टीपल वाला, जिससे कौन सा फॉर्मूला,
कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है इस जगह पर, जिससे कि वन कटेगा। देखो प्लस का वन है ना यहाँ पर, अब ये जितना भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा ना उसमें। तो बताओ कौन सा वाला खोलूं फॉर्मूला, कॉस टू थीटा कौन सा वाला फॉर्मूला खोलूं, माइनस वन यानी टू कॉस स्क्वायर क्या ए प्लस बी बाई टू माइनस वन, सही है। और वन से वन हट गया और फिर टू टू क्या बन गया फोर, और कॉस का स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू। तो ये दो क्वेश्चन थे बैक टू बैक जब पहले किए थे, एक ये वाला एक में यहाँ पे साइन स्क्वायर था कॉस सी प्लस कॉस डी वालों में। तो मैडम रिया जी आपने जो कॉस टू ए के फॉर्मूले लिख रखे हैं ना, देखो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन लिखा है एक, उसमें से तीन आला ही कॉस टू ए के, हम कॉस टू ए का वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम प्लस का वन काट सके। देखो यहाँ पर प्लस का वन दिख रहा है तो हमने वो वाला खोला जिसमें माइनस का वन था। और ओपन भी कुछ इस तरीके से करना होता है कि जितना भी एंगल यहाँ पे है इसका आधा एंगल हो जाता है यहाँ पर, स्क्वायर में मत देखो एंगल यहाँ पे क्या है टू ए, तो हमारा आधा हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से जो हमने यहाँ पे ओपन किया तो हमारा कॉस ए प्लस बी एंगल, तो उसका जब खुलेगा तो आधा होके ए प्लस बी बाई टू ही बनेगा। आई बात समझे, अगर आप बचे हुए दो फॉर्मूले यूज करते कॉस टू ए के वो भी बाई टू हो जाते हैं, लेकिन उनका यूज करके फायदा ना होता क्योंकि वन ना कटते फिर ये। तो कॉस टू ए के तीन फॉर्मूलों में से जैसी जरूरत हो वैसा फॉर्मूला ओपन करा जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पलर का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें मेरे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका कौन सा सिरा पकड़ के शुरू करें। आरचेस, ठीक है, ये दो शख्स करेंगे आरचेस से लेकिन घर पे, ठीक है ना। एक तो सारी वैल्यू प्लस में, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा, वन हट पाता, लेकिन फिर यहां पर एंगल जो है ना और आधे हो जाएंगे, 16 आ जाएगा यहाँ, और बड़े बड़े सारे एंगल चेंज जाएंगे। तो एक सिमिलैरिटी सी जो इस क्वेश्चन में है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है वो देखिए क्या चीज है। आपको पता है एग्जाम्पलर क्या चीज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब है जो बिल्कुल एनसीईआरटी जैसी है पतली सी, और वो एनसीईआरटी वालों ने छापी हुई है, उसमें इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन है बस थोड़े से, जो लोग एनसीईआरटी कर लेते हैं या फिर जिनको एनसीईआरटी क्वेश्चन हल्के लगते हैं फिर वो एग्जाम्पलर की तरफ देखते हैं। वो एग्जाम्पलर नाइन्थ में भी थी टेंथ में भी थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा उस बात पे, स्कूल वाले तो कराते ही नहीं होते, एनसीईआरटी नहीं कराते ठीक से, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलर बच्चे खुद करते हैं बहुत से, तो ये 11th की मैथ्स के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अगर आप दोनों एंगल्स को जोड़ के पाई आ रहा है, चेक करो ये 7π/8 है और ये π/8 है, दोनों को ऐड करो देखो 8π/8 यानी पाई आ जाएगा। और सेम केस यहां पर भी है, इन दोनों एंगल्स को चेक करो आ रहे ना पाई, इसका मतलब पता है क्या है, हमारे पास एक दो तीन चार एंगल्स हैं, हम चार के बदले दो एंगल्स को बदल के वापस दो की फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कि चार अलग अलग एंगल्स को हम दो एंगल्स की फॉर्म में कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पाई है ना ये पाई 22/7 वाला पाई नहीं है, 11th क्लास में एंगल को नापने की एक और सिस्टम है यूनिट्स का, उसे रेडियन कहते हैं। रेडियन जैसे कि 45 डिग्री को हम पाई बाई फोर कहते हैं, इस तरीके से पाई बाई एट है ना, यानी पाई बाई फोर का आधा ही तो हुआ, यानी कितना हुआ फिर वो 22.5। अगर हम बात करें तो 1+cos 22.5 डिग्री है, धीरे धीरे समझ जाओगे वो चीजें भी आप। अभी के लिए बता दूं यहाँ पे देखो यूनिट कोई लग छोड़ रही है ऊपर, अगर डिग्री होता तो यहाँ पे गोला होता छोटा सा एक, ये डिग्री नहीं है ये रेडियन में एंगल, ठीक है ना। खैर तो मैंने आपसे कहा कि देखो भाई पाई बाई एट और 7π/8 को जोड़ के पाई आ रहा है, तो मुझे बताओ इस वाले एंगल को हटाऊं कि इसको हटाऊं, ये बड़े वाले बता दूं, तो 7π/8 की वैल्यू क्या आएगी बोलो। अरे क्या हो गया, इसको माइनस में तो भेज दिया उधर इस में, हाँ वही तो था। अब मैं दोनों तरफ कॉस ले लूं, देखो इधर भी कॉस ले लेते हैं और इधर भी कॉस ले लेते हैं इनका साथ में। अब तुम लोग बताओ कि कॉस पाई यानी 180, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा,
माइनस कॉस थीटा, यानी कि हम कॉस 7π/8 को, यानी इस वाली वैल्यू को माइनस का कॉस 5/8 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्या इन दोनों भी हो सकता है फिर ये चेंजेस? ये सेम है, तो यहाँ पे सिमिलरली करके मैं कॉस 5π/8 को क्या लिखूं? माइनस का कॉस, चेक करो इन दोनों एंगल से भी ये रिलेशन होता, तो इस वाले को माइनस कॉस ER लिख दिया, जैसे उसको लिखा देखो। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4 जो एंगल से अब पूरा क्वेश्चन दो एंगल्स में कर लिया। देयरफोर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 + cos 5/8 ऐसे कैसा, ये वाली ऐसे के ऐसी, इसकी जगह बताओ क्या आएगा, cos 5π/8 के बदले ये, तो ये कुछ बनेगा 1 - cos, इसकी जगह क्या बन जाएगा बोलिए, सही है। अब हम बड़े आराम से ये देखो, अगर a प्लस बी है तो ये वाली वैल्यू a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी माइनस बी लगा सकते हैं, ऐसे इसे भी लगा सकते हैं a प्लस बी माइनस बी, तो ये पहले वाली और लास्ट वाली बनी 1 - cos² π/8, ऐसे ये दोनों क्या बने 1 - cos² 3π/8, 1 - cos² is sin² क्या 5/8, और ये हो जाएगा sin² 3π/8, मतलब कि ये जो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई होके ये दो फॉर्म आ गई है बस। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए कि ये एंगल, अभी सबसे पहले बोला था मैंने पाई बाई एट कितना होता है 22.5, 22.5 ये पाई बाई एट, यानी 22.5 का डबल कर देना, अगर डबल तो बनेगा 45, उसकी वैल्यू पता होगी हमको, और डबल और हाफ वाले फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं आजकल, पाई बाई एट कब से 90 होने लग गया, पाई बाई 290 होता है, उलझो मत, वो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि क्या हम इसको डबल एंगल वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 3π/8 पता है कितना है 135 का आधा, और 135 की वैल्यू पता होती है हमें 90 + 45, मैं दोनों जगह पर डबल कर दूं, अगर एंगल इन दोनों जगह पर एंगल डबल कर दूं तो काम बन जाएगा, और वो कैसे होंगे देखो, एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, देखो कॉस 2θ का एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर में, जरा इस फॉर्मूले साइन स्क्वायर की वैल्यू लगाओ क्या आएगी, हाँ भाई इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर की वैल्यू लगाओ क्या आएगी, 1 - cos 2θ / 2, मैडम साइन स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, पहले हम इसको पूरे का उधर प्लस में लाएंगे, तो कॉस 2θ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बन गया 1 - cos 2θ, और फिर जो 2 sin² का 2 है वो भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए तो 1 - cos आएगी नहीं आएगी, तूने 1+ बोला था, वो cos स्क्वायर थीटा की होती है, साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन, यहाँ पे समस्या तो नहीं है किसी को, जरा एंगल को वैल्यू डालो पाई बाई एट, यहाँ पर अगर ये पाई बाई एट हुआ थीटा की जगह यहाँ, तो यहाँ भी डलेगा पाई बाई एट, और पाई बाई एट का डबल कितना हो जाएगा फिर 5/4, अगर यहां डालेंगे π/8, नहीं जरा समझने की कोशिश कर, मैं इसी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो सीढ़ियां तुम्हें ऊपर लेके जाती हैं, क्या तुम उन्हें सीढ़ी से नीचे आ सकते हो, या तुम पेंटागन मॉल की तरह जिस सीढ़ी से ऊपर जाते हो नीचे दूसरी सीढ़ी से आते हो, तुम हवेली में रहते हो क्या, हवेलियों में वो पिक्चर में दिखाते हैं जो घर के दोनों तरफ होते हैं ऐसे करके कर्व में, ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं और ये वाली नीचे आ रही हैं, किसमें रहते हो तुम, हवेली में या घर में है? लिफ्ट वाले घर में रहते हो तुम, हाँ फिर भी तुम चलो नवाब हो तुम, हम यहाँ मेरे घर में यहाँ सीढ़ियां हैं ठीक है ना, और इत्तेफाक से ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए यही सीढ़ी है बस, हाँ जिसे ऊपर जाना वो भी सीधे जाएगा, जिसे नीचे आना वो भी सीधे जाएगा ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अगर हमारे डबल वाले इसके एंगल को आधा करता है, तो इस तरह से देखने पर आधे का डबल भी तो कर रहा है, तो उसी फॉर्मूले से मैं कह रहा हूँ तुमसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अगर थीटा की जगह पर पाई बाई एट डालो अगर यहाँ पर, तो यहाँ भी थीटा की जगह पाई बाई एट डालना पड़ेगा, तो डबल नहीं हो जाएगा, देखो फिर वो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 1 - cos 2 * π/8,
और अपॉन में, चेक करो देखो इस वाले फॉर्मूले से, ये वाली वैल्यू चेक कर रहा हूं मैं, मैंने केवल थीटा की जगह पर क्या डाला, पाई बाय 8, तो यहां भी डलेगा पाई बाय 8, चेक करो ऐसे, ये वाली वैल्यू बताओ क्या बनेगी, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाय 8 और पूरे के अपॉन में 2, इससे ये कटा, तो 1 माइनस क्या बन गया कॉस 45, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना, 180 बाई 4 यानी 45, कॉस 45, 1 माइनस अपॉन में 2 चल ही रहा है, यहां पर आओ 1 माइनस से कटेगा फिर से 4, 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, 3 पाई बाय 4 बताओ, पहले 3 पाई बाय 4 डिग्री नहीं बदल रहा उन्हें, तो वैल्यू बता रही अबे 135 डिग्री होता है भाई 3 पाई बाय 4, अब cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होने में माइनस का हो जाएगा, जो बाहर वाली वैल्यू को प्लस कर देगा, आएगा वो भी 1 बाय रूट 2 ही, अब बताओ जरा ये 2 क्या बन जाएंगे 4, यहाँ पे फिर से a माइनस b प्लस भी लगा सकते सॉल्व करने के लिए, क्या बनेगा वो 1 माइनस 1 बाई अपॉन में सॉरी 4 चल रहा है 2 जो 4, वो कितना आएगा जब 1 में से 1 बाई 2 माइनस होगा, तो बोल बोल दोबारा बोलियो, ये 1 बाई रूट 2 कॉस 135 की वैल्यू निकाल लियो, फुर्सत में 1 बाई रूट 2 ही आएगी, ठीक है ना, माइनस की आनी थी वो माइनस प्लस बन जाएगा, मैं कह रहा हूं एक में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा, ये रहा वो आधा, और अपॉन में एक 4 चल रहा है इसके नीचे 1, तो क्या घूम फिर के 1 बाई 8 नहीं आ गया, इसीलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है, आ गया तो हमें आना चाहिए, मेन बात यह है, तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के होते हैं मैंने तुमसे कहा है टिक मार्क लगाया करो ताकि तुम घर जाकर रिवीजन कर सको, मेहनत घर जाकर करनी पड़ेगी, 11th क्लास में जिन लोगों की इच्छा जवाब दे जाएगी वो लोग छोड़ते रहेंगे बीच में, जिन लोगों की हिम्मत जवाब दे जाएगी वो बीच में छोड़ते रहेंगे, कुछ बच्चे कम होते रहेंगे कुछ नए वाले बढ़ते रहेंगे, जो टिके रहेंगे वो ही किसी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर पाएंगे, ये बात मान के चलो, अब वहां JEE में अब यही क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, अब यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पलर का, अब तुम तो ये कहोगे ना हाँ लग तो 11th का ही रहा है, ऐसी ऐसी वैल्यू 11th में थी, लेकिन ध्यान नहीं है, नहीं 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 जो छोड़ चुका होगा तो ध्यान ही नहीं आएगा जी, लेकिन अगर तुम इसके क्वेश्चन की घजा के प्रैक्टिस एक बार दो बार तीन बार कर लोगे तो तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेगा, और अभी और क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इन वैल्यूज को सुन रहे हो, इन एंगल्स को भूल मत जाना, देख रहे हो इन चारों एंगल्स को, जब भी क्वेश्चन में मिलेंगे चारों एंगल्स, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऐसे एंगल मिलेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे रिलेशन काम करते हैं, अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही आ रहा है उसमें फिर ये वाले एंगल आएंगे, अभी ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है रिया मैडम घबराना मत, ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आएगा आज, लेकिन धीरे धीरे टिके रहे ना तो समझ में सब आना शुरू हो जाएगा, ये बेचारे तो 1.5-2 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं, मैंने कहा था फिर से देखो वही एंगल आ गए सारे, 5/8, 3/8, 5/8, पावर 4 है, अच्छी बात है, इस बात की खुशी नहीं मिल रही कि ये क्वेश्चन लगभग लगभग यहाँ से सेम चलेगा, एंगल सेम होने के चक्कर में फिर चार एंगल को हम लोग कन्वर्ट करके 2 एंगल तक पहुंचेंगे, फिर से क्या सबका ये हुआ, तो लो सोचो ये क्वेश्चन कहां तक सेम चल सकता है, कहां तक वैल्यू पुट करने तक नहीं, लेकिन 1+ वाला नहीं है ना क्वेश्चन ये, तो ये शुरुआत बिल्कुल सेम चलेगी यहां तक, जो चार एंगल हैं वो चार कन्वर्ट होके 2 में आ जाएंगे केवल, 5/8 और 3/8 में, क्या इस बार भी आप जैसे पिछले क्वेश्चन में तो 1+cos 5/8 था, इसलिए आपने इसकी वैल्यू निकाली थी केवल 7/8 की और 5/8 की, इस बार तो केवल यही वाली वैल्यू है, 1+ नहीं है इनके पास, लेकिन पावर 4 है, तो क्या आप यहाँ पे पावर 4 निकालोगे, हाँ उससे बेनिफिट होगा ना, इसका पावर 4 करने का मतलब ये वाली माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, सिमिलरली ये वाली पावर 4 होगी तो ये वाली भी प्लस की हो जाएगी बस, तो आप लोग यहां तक नोट करो और उसके बाद एरो लगा के लिखो, इसकी पावर 4 होने पर ये प्लस क्या हो गया, इसकी पावर 4 होने पर ये प्लस का हो गया, पावर 4 क्यों करी गई, क्योंकि इन क्वेश्चन में पावर 4 थी, ठीक है, अब मुझे बताओ ये कॉस की पावर 4 7/8 है, ये वाली वैल्यू को ये लिख दूं, सोचो ये वाली वैल्यू ये थी, इस पूरे की जगह पे ये लिख दूं, ये लिखने से एक वैल्यू और थी ऐसी, तो ये दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे, ऐसे ही ये 5/8 ये वाला था,
इस पूरे के बदले क्या लिखा जाएगा, ये तो ये वाला और ये वाला ऐड होके ट्वाइस हो जाएगा, नहीं रहेगा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया फिर, अब ट्वाइस ऑफ कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, ट्वाइस ऑफ कॉस की पावर 4, बोलिए क्वेश्चन केवल ये नहीं बन जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस सॉरी साइन के स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू निकाली थी, क्या कॉस स्क्वायर नहीं निकाल सकते इस बार उसी कॉस टू थीटा के वाले फॉर्मूले से? कॉस टू थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला इस बार ये वाला खोल लेते हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू निकलेगी तो पहले वन इधर आएगा और फिर देखो ये तो खुलेगा फॉर्मूला इस बार, जब यहां पर साइन का स्क्वायर था पिछले क्वेश्चन में, बस यहां पे माइनस ही तो था एक, तो तुम्हें नहीं लग रहा फिर से कि देखो पाई बाई एट एंगल है हमें इसका डबल चाहिए, फिर कॉस 45 बन जाएगा वैल्यू मालूम होगी, ऐसे यहां पर इसका डबल करते ही वैल्यू 135 बन जाएगी उसकी वैल्यू भी मालूम होगी, तो हमें इनके डबल करने हैं एंगल्स को बस, और डबल इस वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे, तो कर दें ये टू ऐसे कैसा, इसको क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर पाई बाई एट का स्क्वायर, ऐसे इसको ये टू ऐसे कैसा कॉस स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर ऐसे कैसा। अब यहां पर लिख बताओ क्या लिखूं, यहां पर तुम बताओ इसकी जगह पर, वन प्लस कॉस पाई बाई बोलो, मैं पाई बाई एट डालूंगा यहां पर इसकी जगह पर, यहां भी डालूंगा तो 2 × π/8 पाई बाई 4 बन जाएगा, पिछले क्वेश्चन में तो करा था ये काम, और ये नहीं था इस बार क्वेश्चन में स्क्वायर, बस एक कोई बात नहीं, हम वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ वैल्यू डाल देंगे cos 45 की, जो अंदर आएगा उसको सॉल्व करके स्क्वायर कर देंगे उसके बाद में, ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस cos 3π/4, चलिए वन प्लस 1/√2 अपॉन 2 का स्क्वायर, वन माइनस हो जाएगा ना इसकी वैल्यू, तो इसको सॉल्व तुम करो अपने आप और 3/2 लेके आओ, काटा पिटी हो गई ना ये बात। अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि किस किस तरीकों से सॉल्व कर रहे हो इसे, तब मैं एक आसान तरीका बताऊंगा बाद में, लो मेरी बात सुन लो, चलो लो मेरी बात सुन लो आसान वाला, तुमने तो चार चार पांच पांच लाइन भर ली, और देखो यहाँ पर आसान तरीका एक सॉल्व करने का, हमें पता है स्क्वायर है और जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर है बस माइनस है, तो अगर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें तो इसमें 2ab आएगा प्लस का, इसका होल स्क्वायर खोलें 2ab माइनस का आएगा, दोनों तो टर्म सेम है तो इसका 2ab इसका 2ab को काटेगा, इतना होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर होने पर ये क्या बनेगा 4, ये भी क्या होगा 4, तो एक टू छूट गया यहाँ पर ये वाला, ठीक है देखो इसका 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2/4 यानी 1/2, इसका 4 बाहर आएगा तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 1/2 दोनों के मैंने पहले बाहर ले लिए कॉमन, अब यहां होल स्क्वायर खोलो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × √2 ये आएगा 2ab, इसका खोलो जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × √2 ये दोनों तो कट नहीं है, अब ये 1 और 1 2 हो गए, ये आधा आधा 1 हो गया, 2 और 1 3 और 2/2 ये रहा। हाँ मैं उम्मीद करूंगा कि तू तो एग्जाम में भी एग्जैक्ट ऐसे करके आए, एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिखो ऐसा ही, जो क्वेश्चन अभी किया ना हमने, जो क्वेश्चन अभी किया उसी क्वेश्चन में सारे कॉस की जगह पे साइन कर दो बस, यानी साइन पाई साइन की पावर 4π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस साइन की पावर 4 5π/8 प्लस साइन की पावर 4 7π/8 और इक्वल में भी 3/2, ये होमवर्क है। एक और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तुम ये देख लो एग्जाम्पलर में इस कॉस 2 थीटा वाले कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन एग्जाम्पलर बताइए कैसे शुरू किया जा सकता है, ये एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन, एक यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं बाद में, हो सकता है पॉसिबल है यहाँ, वो तो दोनों को ऐड करके पिछले वाले पाई बन रहा था इसलिए एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर पा रहे थे, बोल तो क्यों ना ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला से कर लें, एक लाइन बड़ी आएगी बस एक लाइन बड़ी, कैसे देखो ये कॉस स्क्वायर है ऐसे का ऐसा, यहां पर इस स्क्वायर को हटा दें और यहां पे लगा सकते हैं बीच का, बात तो एक ही है, ऐसे इस वाले स्क्वायर को हटा दें
और इसका लगा दें। अब यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलने से पहले क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी यानी कॉस पाई बाई थ्री, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहां लगाओ या वहां लगाओ बात तो एक ही है। तो कॉस ए प्लस बी का मामला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और पूरे का स्क्वायर। ऐसे यहां पर खोलते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस वाले में प्लस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, इससे बड़ी होगी अगले वाली, लेकिन फिर इसके तीसरी लाइन जाएगी बिल्कुल छोटी सी, आंसर तुरंत आएगा। देखो अगर यहां पर आप ध्यान से देखो तो इस कॉस पाई बाई थ्री को हम बोलते हैं पाई यानी 180 180 बाई थ्री 60, कॉस 60 है ये, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ 1/2 है कॉस है, और यहाँ पर साइन 60 इज √3/2। लेकिन आप वैल्यू डाल के फिर सॉल्व करना चाहोगे, या फिर ध्यान से देखो जो वैल्यू यहां पर है और जो यहां पर है उनमें माइनस का अंतर है, अब वही वैल्यू यहां पर और यहां पर भी है प्लस के साथ। अगर आप यहां पर ए माइनस बी, ये पूरा ए है ये माइनस ये बी का होल स्क्वायर है, अगर आप ए माइनस बी खोलो होल स्क्वायर तो जो इसका 2ab आएगा माइनस का आएगा, और सेम टर्म का फिर जो 2ab आएगा वो प्लस का आएगा, कट जाना ही है। तो बचेगा क्या केवल एक, तो ये प्लस इसका ए स्क्वायर बचेगा प्लस का बी स्क्वायर बचेगा, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा ये, और इसका ये था कॉस 60 यानी 1/2, इसका स्क्वायर ये बचा प्लस इसका स्क्वायर बचेगा साइन स्क्वायर है ये साइन 60, उसका स्क्वायर ये बचेगा, यहां माइनस का 2ab इसका, और इसका जो 2ab आएगा कट गया होगा, लिख के तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी तो ए स्क्वायर बचेगा, क्या वो इसका ए स्क्वायर सेम यही नहीं होगा, चेक करो। तो यहां पर ट्वाइस इसका जो बी स्क्वायर होगा वो भी तो ऐसे हो जाएगा भाई, इतनी टर्म बचेगी कॉस सी प्लस कॉस डी लग पाता अगर स्क्वायर ना होता तो, ठीक है ना, स्क्वायर है इसीलिए हमने ये वाले खोले जिससे 2ab प्लस का और 2ab माइनस का कट गया। अब देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो चुका है। अब ये स्क्वायर तो हो चुके हैं, देखो अब ये 2 से क्या कटेगा 2 बार, 2 से 2 बार, पूरे का एलसीएम क्या आएगा केवल 2 2, और यहां तो 1 ही है अपॉन में, तो एलसीएम में क्या आएगा 2 cos² a प्लस, ये 2 था यहां पर, यहां क्या बचेगा cos² a, यहां भी 2 था तो यहां पे क्या बचेगा 3 sin² a। देखो आंसर नहीं आ गया, ये दोनों ऐड हो गए क्या बनेंगे 3 cos² a, ये 3 sin² a अपॉन 2, 3 कॉमन लोगे तो 1 होगे बीच में और बाई 2 यानी कि 3/2। अब एक क्वेश्चन तुम लिखो होमवर्क, क्वेश्चन में थोड़ा सी चेंजेस करें और एक नया क्वेश्चन तैयार। हाँ यहाँ भी एंगल डबल हो गया बस 2π/3, यहाँ भी एंगल डबल हो गया 2π/3, और कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में। पार्थ कह रहा क्वेश्चन चेंज भी हो गया पता भी नहीं चल रहा, यहाँ देख छोटा सा 2 आ गया एक, और यहाँ एक 2 आ गया एंगल में, और कोई आंसर में चेंजेस नहीं आए। अब जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी का है, और एक एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है वो जो है तो बहुत छोटा लेकिन ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, वो थर्ड एक्सरसाइज जो है ना एनसीईआरटी की 3.3, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे उसी से संबंधित हैं। अब तुम देख लो वो थर्ड एक्सरसाइज में ही कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं, उसी में साइन सी प्लस साइन डी वाले भी हैं, उसी में कॉस 2 थीटा वाले भी हैं, एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज के अंदर 24 क्वेश्चन है शायद टोटल मिला के, उन 24 में सब कुछ समा रखा है इन्होंने। देखिए इस बार कह रहा है प्रूव करिए tan 4 थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा ब्रैकेट में 1 minus tan square theta 1 minus 6 tan square theta प्लस 10 की पावर 4 थीटा। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ना वो हमने नहीं लिखा अब तक, हमने sin 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, sin 2 थीटा का पढ़ा था हमने, cos 2 थीटा के पढ़े थे 3 फॉर्मूले, लेकिन हमने साइन अपॉन कॉस करके टेन भी बन सकता था एक, वो नहीं पढ़ा। तो आप जहां पे वो लिखे थे ना sin 2 थीटा cos 2 थीटा वाले, वहां जगह होगी थोड़ी बहुत, एक और लिख दो tan 2 थीटा का फॉर्मूला और लिख दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
10 स्क्वायर थीटा। अच्छा जगह है वहां पर ना काफी। हाँ आ जाएंगे देखो, हमने ना एक चीज सुनो, हमने साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के सिंपल वाले तो पढ़े जो साइन कॉस में थे। साइन 2 थीटा का ये वो फॉर्मूला है जो टेन के टर्म में होता है, ऐसे ही कॉस 2 थीटा का भी होता है। ये दोनों वो फॉर्मूले हैं साइन और कॉस के जो टेन के टर्म में होते हैं, और इन दोनों को डिवाइड कर दे टेन बन जाएगा ना। देखो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा बन जाएगा। इधर डिवाइड करने का मतलब इधर भी डिवाइड करेंगे, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली कट जाएगी, तो वो बन जाएगा 2 tan theta अपॉन 1 - tan square theta। हाँ लेकिन इनका इस्तेमाल तभी होता है जब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को हम लोग टेन की टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हो जाएंगे याद धीरे धीरे, घबराएंगे नहीं हम। अब सोच के देखिए, यहाँ पे टेन 4 थीटा की बात कर रहा है, टेन 4 थीटा। अगर हमें रुक जा, अगर हमें टेन 4 थीटा की वैल्यू पूछी है और टेन 2 थीटा पता है, तो टेन 4 थीटा बना सकते हैं उससे हम। एक मिनट चुप रहना। देखा रिया जी तुक्का मारेगी क्या? रिया जी टेन 2 थीटा का मामला ये है, तो टेन 4 थीटा में तुक्का मार सकते हैं कुछ, क्या बनेगा सोचो बताओ जरा। कोई बात नहीं, भविष्य तो फिर से तुक्का मारे बार मैडम, सुनते रहना। टेन 2 थीटा ये है, टेन 4 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ठीक से बोल, 2 tan theta 2 theta, इसका क्या मतलब है भाई? अच्छा तू बताइए, थीटा के साथ 2 थीटा की क्या जरूरत है भाई? मैडम अगर इधर का एंगल देखो ना, ये एंगल डबल करा गया तो उस तरफ के बस एंगल डबल करने हैं। यानी कि अगर आप टेन 4 थीटा का फॉर्मूला खोलते हो तो इसके आधे एंगल आने उस तरफ बस, तो 2 tan ये नहीं बदलती वैल्यू बाहर वाली, केवल एंगल आधे जाते हैं। इसका आधा एंगल देखो अपॉन 1 - tan square। आप यहाँ पे देखो 4 थीटा था एंगल, लेकिन आंसर किस टाइप के एंगल में आ रहे हैं? हाँ एलएचएस ना दिखने में छोटा है, एलएचएस दिखने में छोटा है, उसका एंगल बहुत बड़ा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एंगल 4 times था, तो यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। 2 थीटा थोड़ी है कहीं भी एंगल, सारे सिंगल टाइम ही है ना। तो अभी हम 4 थीटा से 2 थीटा पे आ गए। अब आपको नहीं लगता 2 थीटा से फिर से थीटा पे आना पड़ेगा? तो इसकी जगह पर भी एक दोबारा खुलेगा फॉर्मूला, और नीचे वाले की जगह पर भी फिर से आएगा, उसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। चलिए देखें पुट करें, ये 2 ऐसे गया था, 10 टू थीटा की जगह फिर से पुट करो, 2 tan theta अपॉन 1 माइनस, ठीक है नीचे 1 माइनस। इस स्क्वायर का क्या मतलब होता है? होल का स्क्वायर। तो 2 tan theta अपॉन 1 - tan square theta का, अब सारे एंगल थीटा में है, अब बस हमको सॉल्व करना है और ये आंसर लाना है। कैसे करना चाहिए सॉल्व, किसी के पास है जवाब? अभी नहीं कर सकते ऊपर नीचे वाले, जब तक एलसीएम ना हो जाए यहाँ पर। लेकिन ये 2 to 4 हो सकता है बस, एक काम, 4 tan theta अपॉन 1 - tan square theta, ये 4 tan theta यही वाला होगा शायद, ठीक है अपॉन, इसका एलसीएम लें, उससे पहले स्क्वायर करें है ना, 1 माइनस, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 4 अपॉन, मुझे बताओ इसका ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दूं या ना खोलूं? संचित मना कर रहा है, रचित भी मना कर रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि सुनो अभी नहीं खोलना चाह रहे हम, क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये होल स्क्वायर आएगा ना इसका एलसीएम लेने के बाद, तो पूरे के नीचे आ जाएगा, और फिर वो इसकी एक वैल्यू काटेगा ना, देखो यहाँ पर एक सेम वैल्यू आएगी ना स्क्वायर के साथ, समझ रहे हो? तो यहाँ पर 1 - tan square theta का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये पूरा होल स्क्वायर जब यहाँ आएगा एलसीएम लेने पर, वहां खोल देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली वैल्यू ये वाली होगी जो खोल के आएगी। तो देखे जरा ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, 4 tan theta अपॉन में 1 - tan square theta अपॉन। अब बताइए ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी एलसीएम लेने पे, उसका होल स्क्वायर खुलेगा, बताओ क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस टेन 4 थीटा माइनस 2 tan, और एक और भी है साथ में ये माइनस का, 4 tan square theta और अपॉन में 1 - tan square theta का। अब इस होल स्क्वायर से एक वैल्यू कट जाएगी एलसीएम के बाद, और ये घूम के कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये लाइन मिल जाएगी ऊपर वाली पूरी, देखो सही बात है। इसलिए सबसे नीचे तो नहीं खोलेंगे होल स्क्वायर, लेकिन इस जगह पे खोल दिया हमने, देखो ये ऊपर गया तो 4 के इंटू में 10 थीटा और 1 - tan square theta ऐसे कैसा,
ये वन ऐसे कैसा, 10^4 अकेला है, छोड़ देते हैं। और ये माइनस का 2 tan² में, माइनस का 4 tan² में, यानी माइनस का 6 tan² थीटा, जो कि हमको लाना था। तो एक ही फॉर्मूले को दो दो बार इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब बस फिर सिंप्लीफिकेशन है। और ये क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का, 3.3 में। ऐसा लगता है ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कितने आसान है। एक क्वेश्चन है, टेन एक्स की वैल्यू है -4/3, टेन एक्स की वैल्यू -4/3 है, और हमसे कह रहा है एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x/2, cos x/2, tan x/2 फाइंड करिए। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं, ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में हैं और एग्जाम में अक्सर आते हैं, हर स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा, पता नहीं यही है वैल्यू या कुछ और है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में मिसलेनियस जो है ना एक्सरसाइज, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट ये वाले हैं, एग्जाम में आते ही हैं, एग्जाम में आना ही है एक स्कूल में तो पक्का, एक ना एक बार 3 नंबर 4 नंबर का आएगा। तेरे 1 2 3 पार्ट है ना, sin x/2, cos x/2, tan x/2 ढूंढने के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मूला काम करेगा जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो था ये, अब मैं आपसे कहूँ अगर की वैल्यू निकालें, आप ध्यान से देखो, एक तो है x/2 एंगल, और एक एंगल क्या है, बस इन्हें दो एंगल्स में डील करना है हमने, सुन रहे हो, एक एंगल एक्स है और एक क्या है x/2। यहां पर आते हैं, एक काम करो इसे 2x कर लो और x कर लो, नहीं तो के मती मारो, ठीक है ना, cos 2x का मामला ये होता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे x/2 और x में चाहिए, x/2 और x में चाहिए, तो मैं इसे x करूंगा अगर, तो वो x/2 हो जाएगा अपने आप ही। तो सिंस ये cos x करा तो ये क्या बन जाएगा, x/2। तो यहां से sin x/2 वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, ये पूरा इधर पहले 1 माइनस ऐसा आएगा कि चेक करो, अभी भी क्वेश्चन देखो x/2 और x में ही है। अगर मुझे sin x/2 चाहिए तो मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, cos x की। अगर मुझे sin x/2 चाहिए ये वाला, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, cos x की। और क्या tan x की हेल्प से cos x मिल सकता है, बड़े आराम से, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कोई भी मिल सकता है, पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से cos 2x का एक फॉर्मूला cos में भी था, मैंने तुमसे कहा था उसमें क्या अंतर आता है, बस बस यहाँ बीच बीच में प्लस होता है, बस यहाँ खोलोगे आप 2 cos² x - 1, फिर वहां से cos x की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। और जब ये दोनों मिल चुके होंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे तो tan x/2 भी आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के हमको sin x/2 और cos x/2 चाहिए होगा अगर, तो किसकी जरूरत है, अगर हमें cos x मिल गया तो ये मिल जाएगा, यानी ये तीनों मिल जाएंगे। तो आप बस tan x की हेल्प से बताइए, ये लगा दूं क्या आइडेंटिटी sec² x, क्योंकि तो sec की हेल्प से cos मिल जाएगा, 1 प्लस tan² यानी 16/9, 25/9 यानी 5/3, वो भी प्लस माइनस, जब यहाँ का sec का स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस लगेगा। अब बताओ x कहां पर है, सेकेंड में। तो सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए सेक एक्स क्या लिया हमने, माइनस का 5/13। और अगर सेक की वैल्यू ये है तो जिसकी जरूरत थी हमें वो मिल गया, सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही, वो भी माइनस के साथ, बिल्कुल पहले भी कराया था, लेकिन बस वो पहला यहीं तक था, उसके बाद ये चीजें नहीं थी उसमें। अब हमें कॉस मिल चुका है, अब हमें कॉस मिल चुका है, अब इन कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करके sin x/2, cos x/2 और tan x/2 भी मिल सकते हैं, बस शुरू करते हैं। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ sin x/2 आगे प्लस माइनस लगा है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि
कि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू प्लस या माइनस कौन सी ली जाएगी, एक्स कहां पर था सेकंड में, सेकंड कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है चेक करो, नहीं बता सेकंड कहां तक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां होता है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो उसमें क्वाड्रेंट नहीं पढ़े थे, ये पहला क्वाड्रेंट नहीं होता, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, सेकंड कहां से कहां तक है, बस पता है तुझे, बताना नहीं चाहती तू, एक्स की वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सेकंड से तो कहा जाएगा 90 से बड़ा 180 से छोटा, लेकिन हमें क्या चाहिए देखो, x बाय टू डिवाइड कर दो बस बीच वाले को, तो इसे भी करना पड़ जाएगा डिवाइड, और बताओ कहां तक, कहां तक पहुंच गया, 45 से 90 के बीच में, यानी आपको यही प्लस लेना पड़ेगा, यही प्लस लेना पड़ेगा, तरीका ध्यान रहेगा पता लगाने का ये। चलिए अब साइन एक्स बाय टू की वैल्यू निकालिए, साइन एक्स बाय टू की वैल्यू प्लस की आने के चक्कर में वन माइनस कॉस, कॉस है ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगी वैल्यू, 3/5/2 ये बनेगा 5 और 3 8/10 यानी 4/5 यानी कि 2/√5 साइन एक्स बाई टू तो ये आ रहा है मेरा 2/√5। इस तरीके से कॉस एक्स भी निकालिए और फिर टेन एक्स भी निकालिए, मतलब बाई टू, टेन एक्स बाई टू, रूट फोर बाई फाइव को 2/√5 ही कहते हैं, कॉस एक्स बाई टू सेम आ रहा, सेम कैसे आ रहा है यार, तुम यहाँ पे डालोगे वैल्यू कॉस में तो 1 - 3/5 तो 5 - 3 2/√5 नहीं यार 1/√5 आएगा, तो माइनस यहाँ साइन में देखना, ये वाला कॉस माइनस का था इसलिए जब यहाँ माइनस वाला डाला तो प्लस हो गई थी वैल्यू, लेकिन जब यहाँ माइनस वाला डलेगा तो 1 - cos x आएगी ना वैल्यू, cos x by 2 की वैल्यू 1/√5 आएगी, और फिर जब साइन अपॉन cos x by 2 करोगे आप, tan x by 2 क्या आएगा केवल 2, yes। अब होमवर्क लिखो जरा पहले, इसको दो क्वेश्चन है भाई होमवर्क, एक ये और एक ये, ढूंढना सब में यही है, एक में cos x की वैल्यू -1/3 है तो x थर्ड में दिया है, एक में साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है तो एक्स फोर्थ में दिया है, हाँ सब में ढूंढना यही है, आपको एक बात समझ आई कि साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू तीनों ढूंढने के लिए अल्टीमेटली जरूरत हमें होती किस चीज की है, कॉस एक्स की, क्योंकि सब साइन कॉस दोनों मिलकर डिपेंड तो कॉस पे कर रहे हैं, तो आपको दिया कुछ भी हो जैसे इसमें कॉस दे रखा है तो काम आसान हो गया ये सारा, आप सीधे यहां से शुरुआत कर सकते हो इस जगह से, इसमें साइन दिया तो पहले कॉस ढूंढना पड़ेगा, आपको बाय टू वाले जब भी तीनों चीज ढूंढनी होंगी आपको सबसे पहले कॉस ढूंढना पड़ेगा, सब सहमत है, कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू ढूंढनी है, एक बार ढूंढनी है साइन पाई बाई 24 की, ये दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, आप पहले तो हिसाब लगाइए ये एंगल है कितना, पाई बाई एंगल कितना है 22.5 यानी 45 का आधा, या हाफ और डबल का भी ध्यान रखो ना हिसाब, पूरा टॉपिक हमारा हाफ डबल में चल रहा है, देखा नहीं आपने, जो हम जब से कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा में आए हैं हम बार बार एक ही चीज का डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कि यहाँ एंगल इतना है तो इसका आधा इतना होगा, ये इतना है तो इसका डबल इतना होगा, तो आप जो ये एंगल बोल रहे हो 22.5 यानी 22.5 ये 45 का आधा होता है, तो यानी क्या आप कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ये आ जाए, इसका डबल एंगल आ जाए, क्योंकि डबल एंगल तो पता है आपको, कोई है ऐसा फॉर्मूला आपकी नजर में, वाला फॉर्मूला कोई कोई फॉर्मूला सोचो ना ऐसा, इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए वो डबल वाला एंगल आ जाए उसके अंदर तभी तो वैल्यू मिलेगी इसकी, 2 cos square x - 1 वाला फॉर्मूला खोलिए, cos 2 थीटा का देखिए, मान लो फॉर्मूला ये लिख दिया, अब सोचो ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी इससे, सोचो ये इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, आप क्या करोगे ये बताओ ना पहले, आप बस हमें cos ये ढूंढना है तो आप x की जगह पर 5/8 पुट कर लो ना, देखो यहां भी पुट करोगे 5/8 यहां भी करोगे तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा 5/4 वो वैल्यू पता होगी हमको और ये ढूंढ लेंगे, फिर इस इक्वेशन में अननोन दो ही चीजें से हैं, उन दो में से ये वाली वैल्यू हमको पता होगी ये ढूंढ लेंगे, करो अभी करो, हमने लिख दिया वैल्यू बताओ, इसे करने के बाद इसको सोचेंगे, फिर जल्दी से करो अब वैल्यू ढूंढो, बताओ यहाँ पर क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है √2 + 1/√2 ऐसे, अगर x की वैल्यू 5/8 डाली तो ये क्या बन जाएगा cos 2 × 5/8 यानी 2 cos² अब ये वाली वैल्यू ढूंढने के लिए 1 इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा 5/√2 ये 2 8 से कट जाएगा,
अबे वो एंगल है भाई, इसके बीच में तो इतना बड़ा बॉर्डर नहीं दिख रहा, बॉर्डर ये वाली वैल्यू बाहर वाली कभी एंगल को नहीं छेड़ सकती, एंगल एंगल से ही कटता है, वो भी अंदर वाले ब्रैकेट लग रहा हो कुछ तो। अब जब ये प्लस इधर आ गया तो टू डिवाइड भी आएगा फिर ये, अब ये स्क्वायर हटेगा तो अब एलसीएम लेंगे तो रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू बन जाएगा। एलसीएम लेना रूट टू प्लस वन तो ऊपर दिखेगा देखा कैसे, ये रूट टू इसके पास आ जाएगा ना फिर अपॉन में। तुमने ये नहीं बताया कि जब कॉस पाई बाई एट का यहाँ पर स्क्वायर हटा होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आए होंगे, और आंसर में प्लस आएगा माइनस आएगा ये तो दया तुमने क्यों, तो 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस वाली वैल्यू आएगी। जरा इसके बारे में बता दो, 7.5, अब 7.5 का डबल होगा 15, और नहीं, 7.5 का डबल होगा 15, और 15 को ढूंढने का तरीका हमें पता है, चाहे ए माइनस भी ढूंढ लो चाहे डबल करके ढूंढ लो, यानी कि यहां पर एक बार डबल करा था तो सीधे 5/4 पे आ गए थे, यहां पर पहले एक बार डबल करेंगे तो 15 पे आएंगे, फिर एक और बार डबल करेंगे तो 30 पे आ जाएंगे, 30 की वैल्यू पता होती है, इसी फॉर्मूले को लगाते हैं ना, क्या यही फॉर्मूला लगेगा, नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे साइन है ना, तो कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला लगाते, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का रूट प्लस माइनस के साथ। अब एक्स की वैल्यू डाल दे पाई बाई 24, तो इधर क्या प्लस ही चलेगा वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस क्या आ जाएगा यहाँ देखो, मैडम ये फॉर्मूला समझ में आया, ये वाला तो पहले भी यूज करा था, इसको इधर लाओ उसको इधर भेजो, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर वाले से यही आएगी, इसको इधर भेजो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड में भेज दिया। अब इस एक्स की जगह डाला पाई बाई 24, तो उधर वाले एक्स की जगह पर डलेगा पाई बाई 24, इंटू 2 करेंगे तो पाई बाई 12 हो जाएगा, अब पाई बाई 12 होता है 15 डिग्री। अब या तो इस कॉस 15 की वैल्यू अलग से जो पहले पढ़ रखा है हमने, इस तरीके से ढूंढ लो, कॉस 15 की वैल्यू ऐसे भी ढूंढी थी हमने शुरू में, कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से वो डाल दो यहाँ पर तब भी आंसर आ गया, फिर तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, सही है ना, कॉस 15 की वैल्यू यहां से निकाल के डाल दो। तुम केवल ये हिसाब लगाना सीखो कि जो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, जो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है वो एक्चुअली में है कितनी, क्या उसके डबल का एंगल हमें पता है, जैसे यहां था जो यहां पूछी गई उसका डबल करने में 15 आया, क्या 15 हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है 15 निकालने का, एक तरीका ये वाला भी था 15 निकालने का, फिर 15 का डबल करेंगे 30 हो जाएगा, वो तो पता ही रहेगा जैसे यहाँ पर 5/4 मालूम था, क्योंकि तो हम सारे बार डबल ही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, हम पूरे इस टॉपिक में डबल और हाफ हाफ डबल इन्हीं में तो खेल रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ये तो चल गया ना पता कि ये एंगल है कितना कितना 22.5 है, अब ये तो पता है 22.5 का आधा करेंगे तो वैल्यू नहीं पता होती हमें, 22.5 का डबल कर देंगे तो 45, ये वैल्यू हमें पता होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो अब तू बता आधा करेंगे डबल करेंगे, तो बस अब बस फॉर्मूले में उतार के वैल्यू डालनी तो है, वो रूट के अंदर 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन ये रूट यहीं तक है, रेशलाइज वगैरह करना पड़ सकता है तुमको, तब आएगा ये साइन पाई बाई 24 की वैल्यू ये आ रही है, सिंप्लीफाई करा के आना चाहिए आपका आंसर यहाँ तक, दिमाग गर्म हो गया खत्म हुआ, नहीं भी हुआ होगा तो आंसर आपके सामने, मेहनत करेंगे अगली क्लास में बढ़ेंगे इसके आगे।